Three, two, one, तो में जाने का इरादा है अभी? हाँ काफी प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं एक वेब सीरीज है जो निर्भया बच रहे थे कि हाँ उन्हें ऐसी जिम्मेदारी ना दी जाए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे आप कहीं नहीं जाओगे बॉडी टू बॉडी उनके साथ रहोगे जब तक एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं होगा गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया मर्डर कर दिया जाता है जेल में कहाँ चूक हुई मेन रीजन जो हमने एग्जामिन किया वो ये था उनकी जो राइवलरी थी तो बहुत ज्यादा ब्रूटल थी दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है नाम है बागपत यहाँ पर पांच भाई बहनों की एक फैमिली रहती थी मिडिल क्लास फैमिली थी पिताजी दिल्ली में नौकरी करते थे नौकरी इतनी दूर थी कि वो साइकिल से जाते थे लगभग 80 किलोमीटर ट्रेवल करते थे गरीबी थी लेकिन पिताजी चाहते थे बच्चे खूब पढ़े तो बच्चे भी मेहनत करते थे जो उनका सबसे छोटा लड़का था वो दिन भर बर्तन तक बेचा फिर पढ़ाई करता रात में और आज वो है तिहाड़ जेल का असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट नाम है दीपक शर्मा सर इंडिया डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आप अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताइए जो आपका स्ट्रगल था जी जैसा आपने बताया ब्रज भाई पांच भाई बहनों का परिवार था फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरे फादर की पोस्टिंग चांदनी चौक हुआ करती थी ओके और उस समय पर डेली अप डाउन करते थे साइकिल से आना जाना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी मेरे फादर डेसू में जॉब करते थे तो बड़े एक संघर्ष रहा उन, उन चीजों को हमने भी देखा कि किस तरीके से फादर मेहनत कर रहे हैं हमने फिर यहाँ दिल्ली शादरा के अंदर हुँ, मकान हुँ। लिया फादर साहब ने यहाँ से चीजों को आगे कंटिन्यू किया तो जैसे फादर सर्विस क्लास में थे उसी तरीके से हमने चीजों को देखा बचपन से सारी चीजों को जो बड़े भैया हैं बड़े भैया ने भी बहुत स्ट्रगल की मेहनत की और मैं फैमिली में सबसे छोटा था मेरे से ऊपर तीन सिस्टर हैं चार सिस्टर अच्छा। हैं एक ब्रदर है हम तो उन सबके बीच में रहकर मैं कह सकता हूं कि हाँ एक अच्छा मुझे माहौल मिला सपोर्ट सिस्टम हां एक सपोर्टिव हा। माहौल था मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो टीचर हैं उनसे बड़ी सिस्टर हैं वो प्रिंसिपल रही हैं हम जो बड़े भैया हैं वो खुद एक टीचर हैं तो उस परिवेश में रहकर एक थोड़ा सा स्ट्रगल तो जरूर था लेकिन हाँ एक परवरिश बहुत अच्छी मिली हुँ, हुँ, जिसके चलते और मैं खुद भी मेहनती था और मैं आज ये पोजीशन हासिल कर पाया तो फिर एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया आपने गोत्रुपुरा जी हम शुरू मतलब हाँ जी 2007 में मैंने रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की हुँ. हुँ तो ग्रेजुएशन के, के साथ साथ भैया को ये था 2009 में 2006 में वो टीचर अपॉइंट हुए थे ओके तो उन्होंने कहा कि भाई कोचिंग और गाइडेंस तो मुझे प्रॉपर मिलती थी फैमिली के अंदर तो उनका कहना था कि भाई अपना एक फ्यूचर आप सेव करो तो उन्होंने मुझे डाइट भी कराई और मेरा डाइट में टीचिंग में सिलेक्शन हुआ कॉलेज इमिजिएटली छोड़ते के साथ ही 2007 हजार सात में एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ अच्छा। असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन हुआ तो वो नौकरी आपने नहीं ली हाँ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रहा क्लैरिकल कैडर में रहा छह से सात नौकरिया रही और उसका में मुझे लगता है कि काफी हद तक क्रेडिट आपकी फैमिली को जाता है कि, कि किस एटमोस में आप रह रहे हैं हैं बिल्कुल बड़ी सिस्टर जो मेरी टीचर अभी द्वारका वो और मैं एक साथ हम स्टडी करते थे कम्बाइंड स्टडी रहती थी जो मुझे नहीं आता था मैं उनसे पूछता तो था शुरू से ही जेलर बनना था या कोई और प्रोफेशन पहले हाँ एक अपना खुद का एक अंदर से एक फील होती है मुझे पता है कि हाँ मैं टीचर वाले फ्रेम में कभी खुद को मैंने मैं फिट बैठ ही नहीं सकता जी तो मेरे को था कि हाँ एक जो भी जॉब प्रोफाइल हो वो एक हो एक अलग सी हो दमदार हो तो 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ टू तिहाड़ जेल में तो बड़ा एक उससे पहले हम फिल्म्स में टीवीज में सीरियल्स में सुनते थे तिहाड़ जेल तिहाड़ जेल तो एक बड़ा एक यूनिक सा लगा कि हाँ एक एक अच्छी प्रोफाइल है इसमें जाना चाहिए बिल्कुल सोसाइट अब मेरा जो एरिया है वहां पर आपको बहुत से टीचर्स मिलेंगे डॉक्टर्स मिलेंगे, मिलेंगे, इंजीनियर्स लेकिन पूरे इधर अपने ट्रांस यमना से मैं इकलौता जेलर हूं। अच्छा तो एक ऐसी प्रोफाइल लगी मुझे कि एक्सपोजर इस, अच्छा भी है पुरानी तस्वीर देखा था उसमें तो काफी मतलब दुबले पतले से थे आप तो क्या है फिटनेस का राज आपका जी हाँ बिल्कुल जब 2009 में मैं भर्ती हुआ तो मैंने कमांडो ट्रेनिंग भी की मैं गोल्ड मेडलिस्ट था शूटिंग में और उस टाइम में साठ बासठ के का लड़का था हमारा चालीस लोगों का बैच था वो सबसे फास्ट रनर था मैं अच्छा अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर कमांडो ट्रेनिंग में भी सबसे अच्छी फिजिक मेरी हुआ करती थी तो लेकिन उस टाइम में साठ बासठ किलो का दुबला पतला हुँ। हुँ। उस टाइप का था तो फिर ट्रेनिंग करने के बाद वो सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद हमने जेल ज्वाइन की

प्रदीप सावंत ओके okay. तो अभी उनका करैक्टर मैं कर रहा हूं अमेजन के लिए एक वेब सीरीज है अच्छा आ, ये पूरी वेब सीरीज OTT वेब, है। वेब सीरीज है ओके okay. आठ से नौ एपिसोड है इसके हुँ, तो होपफुली तो जनवरी में इसकी शूटिंग है अच्छा जन में स्टार्ट हो जाएगा आ, मतलब नए साल की शुरुआत हाँ, एक चीज था कि 2020 में निर्भया जो गैंगरेप के अपराधियों को फांसी दी गई थी आपकी निगरानी में दी गई थी उस समय जेल में क्या स्थिति थी मतलब जो कर उस समय मतलब एग्जैक्ट वही टाइम पर उस वक्त कैसा था वहाँ का माहौल देखिए जो निर्भया रेप केस एक्यूज हैंगिंग का जो मुद्दा था बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था हुँ. और मैंने देखा निजी तौर पर बहुत से अधिकारी थे जो बच रहे थे कि हाँ किसी तरह से अगर इसमें कोई लैप्स हो गया तो एक पूरी एक रेपुटेशन का एक सवाल था हुँ, हुँ, हुँ. तो काफ़ी अधिकारी थे जो बच रहे थे कि हाँ उन्हें ऐसी जिम्मेदारी ना दी जाए हाँ। तो उस टाइम पर मैं अपने नेशनल गेम्स में मैंने डी पहला ऑफिसर हूँ जो पिछले पांच साल से नेशनल चैम्पियन हूँ तो मैं उनको मिठाई खिलाने, पा, हाँ। तो खिलाने गया वो देख के बड़े इम्प्रेस हुए तो उस टाइम पे वो हंटिंग चल रही थी कि किसको अपॉइंट किया जाए तो आप मेरी किस्मत कहें या एफर्ट कहें कुछ भी कहें तो डी साहब ने मिठाई मैंने बाद में खिलाई पहले सामने देख के उन्होंने मेरे सामने प्रपोजल दिया कि दीपक ऐसे इस तरीके से चीजें हैं हुँ, हुँ। तो आप कर लोगे तो मुझे लगा कि हाँ एक इतना बड़ा केस है इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उस केस से सभी के इमोशंस जुड़े थे सभी बिल्कुल, बिल्कुल। के पूरे देश भर के सब लोग तो मुझे अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी भी लगी तो मैंने इमीजिएटली यस किया तो मेरे को अच्छे से याद है अट्ठारह मार्च दो हज़ार बीस को इमिजिएटली मेरे सिंगल ऑर्डर किए ट्रांसफर ऑर्डर उस टाइम में मंडोली पोस्टेड था अच्छा और स्पेशली अपॉइंट किया इसी केस के लिए, इसी केस के लिए बहत्तर घंटे के अ, लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे आप कहीं नहीं जाओगे बॉडी टू बॉडी उनके साथ रहोगे जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा ओके आ, जो जेल से गैंग चलाने की बात आती रहती है हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट में भी पढ़ते रहते हैं लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र होता है कि वो जेल से गैंग चलाते कोई गैंगस्टर जेल से कैसे गैंग चला ले रहा है देखिए जिसको क्राइम करना है वो क्राइम करने के लिए सारा दिन उसको सिर्फ यही सोचना है कि मेरे को हाँ। किस तरीके से क्राइम करना है तो जेल में इनकी जो मुलाकातें आती हैं इनकी फैमिली है कुछ क्रिमिनल्स ऐसे देखने को मिले हैं कि हाँ उनकी फैमिली में भी पता है इन चीज़ों का उनके कुछ वकील आते हैं वकीलों के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनके मैसेज बाहर चले जाएं फैमिली के थ्रू ये अपनी कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से जो फोन कॉल फैसिलिटी है उससे अपनी फैमिली से ये बात करते हैं फैमिली से बात करके कोशिश करते हैं कि जो इनके दोस्त हैं या बाकी लोग जो बाहर हैं उनके साथ ये कॉन्टेक्ट कर पाए और अपनी वारदातों को अंजाम ऐसा कोई मतलब क्रिमिनल्स आपके मतलब आपको मिला हो जो लगा हो कि जेल के अंदर भी बहुत खतरनाक है देखिए तिहाड़ जेल में काफी से काफी मुलजिम है ऐसे आप पब्लिक फॉरम में पढ़ते हैं नीरज है लॉरेंस है काला जी है, है सुनील राठी है हुँ हुँ। आप ये सब अभी तिहाड़ की कस्टडी में गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया जिसकी डेथ हो जाती है मतलब मर्डर कर दिया जाता है जेल में इतनी निगरानी कैमरे उस बीच में सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी कि उसमें आते हमलावर मार के चले जाते कहाँ चूक हुई देखिये उसमें बहुत से लैप्सिस थे इंक्वायरी भी उसमें हुई कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया अच्छा कार्रवाई की गई हाँ, कार्रवाई की गई पूरी उचित कार्रवाई तो बहुत से लैपिज उसमें देखने को मिले और जो इसमें लेकिन जो मेन रीजन जो हमने एग्जामिन किया वो ये था उनकी जो राइवलरी थी वो तो बहुत ज्यादा ब्रूटल थी पिछले साल रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग का जो सरगना था जितेंद्र गोगी उसका डे लाइट मर्डर होता है तो उसका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक ये जाने के लिए थे और इन्होंने वो उस हद तक गए भी और इस वारदात को अंजाम दिया अच्छा 20 अक्टूबर 2006 में पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और उस कॉल में अपराधी जो था क्रिमिनल धमकी देता है चंद्रकांत झा कि एक सिर कटी हुई तिहाड़ जेल के गेट नंबर तीन पर लटका दी गई है लाश सिर सिर काट के मतलब इतनी डेयरिंग आती कहाँ से अपराधियों को क्योंकि अगर कहीं छूट है या कुछ सपोर्ट है तभी होगा पॉलिटिकल सपोर्ट या कुछ क्योंकि इतनी हिम्मत जेल के अंदर आप रहते हुए तिहाड़ का गेट नंबर बता देना कॉल करना और धमकी देना हाँ ये चंद्रकांत झा है ये एक तरह का एक साइको किलर केस है अच्छा और ये अभी मेरी कस्टडी में ही है तो हाँ इसके जो चार्जशीट हमने देखी हुँ हुँ। तो इसके बाद जो मोडस ऑफ था केसेस को करने का ये अपने दोस्तों को बुलाता था बिठाता था उनके साथ इंटॉक्सिकेशन करने के बाद फिर अपनी इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था कुछ पिक्स भी मैंने देखी अच्छा हाँ जो के, इसकी केस फाइल के अंदर है किसी के अंदर हाथ नहीं है किसी में पैर नहीं है इस तरह की फुटेज और आ, मिली है देखने को तो जहां तक मुझे लगा मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये सिर्फ़ एक साइको किलर है बिल्कुल इसका कोई इस तरह का कोई आ, पॉलिटिकल कोई सपोर्ट नहीं है कोई कुछ नहीं है एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का है ओके आ, लेकिन उस सजा होने के बाद इसको आ, डबल लाइफ है ओके सजा होने के बाद इसमें काफी चेंजेस है बहुत सुधार है

अगर इनको बिल मिलने में कहीं ना कहीं जज कंसीडर करते हैं उस स्टेटस को अच्छा एक चीज़ था मुझे भी काफ़ी मैंने केसेस पढ़े कि छोटे छोटे बेल बॉन्ड पाँच सौ रुपए हजार रुपये का बेल बॉन्ड नहीं भर पाते बीस इक्कीस बाईस साल के अपराधी जो होते हैं अंदर आते उस सिचुएशन में आप लोग भी अपने तरफ से किसी के थ्रू मदद कराने की कोशिश करते हैं हाँ बिल्कुल हमारे बहुत से एन हैं एन के माध्यम से या कुछ जो समाज में अच्छे लोग हैं हम कोशिश करते हैं उनको अप्रोच करने की कि क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर फिलहाल ओवरक्राउडिंग की सिचुएशन है तो जेल को डीकन्जेस्ट करने के लिए या हमें जो लगता है कि हाँ ये एक्चुअल में गरीब है या एक बिट ऑफ एग्रेशन में या हिट ऑफ द मोमेंट में किसी तरह से इससे अपराध हो गया और हमें लगता है कि क्योंकि जेल में जब हम उनको देखते हैं तो अंदाजा <coughs> लग जाता है कि हाँ इसके अंदर सुधरने वाली स्थिति है या ये बिगड़ेगा सोसाइटी अच्छा। को हैम्पर करेगा आप ओवर क्राउड का सर कह रहे थे ना एक चीज मुझे भी लगा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि इतना ओवर क्राउड होता है कि लोग बैठकर सोते हैं ऐसा तिहाड़ में भी है ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है लेकिन हाँ ओवर क्राउडिंग की स्थिति जरूर है बैठकर नहीं सोते हाँ तो इसको अभी ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए अभी हमने तिहाड़ का एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स मंडोली के अंदर हमने okay. स्थापित किया हुँ. हाँ जिसके अंदर अभी छह जेलें हैं वुमेन जेल भी है हुँ. एक एडोलसेंट जेल भी है हुँ. कन्विक जेल भी है तो जो यहाँ का हमारा क्राउड था उसको हमने वहां पर भी शिफ्ट किया जो कड़कड़मा के प्रिजनर हैं कड़कड़मा कोर्ट के अब वो सारे मंडोली जेल में हैं स्थिति कंट्रोल में है लेकिन फिर भी ओवर क्राउडिंग है आपने महिला का जिक्र किया तो महिला कैदियों की क्या स्थिति है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज कुछ अलग से उनको दी जाती है जेलों के अंदर जी हाँ स्पेशल कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है लेकिन कई केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि, कि किसी का न्यू बॉर्न बेबी है या छोटा बच्चा है बाहर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो जेल के अंदर हमारा क्रैच भी है ही, ही, कि सपोज दैट अगर किसी महिला को जेल हो जाती है और उस वो अकेला अपने बच्चे को देखने वाली है अपने बच्चे को भी वो जेल में लेकर आएगी उस बच्चे को जेल के अंदर सारी सुविधाएं बच्चे को ऐसा कहीं फील नहीं होगा कि वो कस्टडी के अंदर है वो अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा स्टडी वो करता है रहता है खाता है सोता है सारी चीजें वो करता है और अपनी मदर के साथ भी होता है एक चीज़ थी फिल्म में जो हम लोग फिल्में देखते हैं क्योंकि हम लोग फिल्में बहुत देखते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं जेल के अंदर तो कभी मतलब वहां जाके नज़दीक से कभी देखी नहीं ये चीज़ें ड्रग्स जैसी चीज़ें जेल के अंदर कैसे एक्सेस हो पाती या हो अभी होती हैं या नहीं क्योंकि हम लोग तो फिल्म में ही देखे हैं देखिए ड्रग्स पे अब काफ़ी हद तक कंट्रोल है जो पैडलिंग के ऊपर लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं आपने भी मीडिया के माध्यम से देखे होंगे ये अपनी बॉडी कैविटी के, के अंदर उसको लेकर आते हैं अच्छा। जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्मगलिंग होती है जो हम अक्सर देखते हैं कि हीरोइन के कैप्सूल सेलो करके लेकर आते हैं ओके और फिर साबुन का पानी पी के उसको वॉमिट करते हैं हाँ हाँ। या बॉडी एक्सक्रीट के थ्रू वो निकालते हैं उस पॉलिथिन को खोलते हैं साफ करते हैं फिर उसको कंज्यूम करते हैं बाप रे तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं और जो हैबिटुअल ड्रग यूजर हैं हुँ, वो हुँ, पाए जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज करते हुए तो डेंजरस भी रहते होंगे जेल के एग्जैक्टली बहुत से बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं पीछे अभी एक सतपाल बेदी करके क्रिमिनल था हुँ, जिसकी जेल में डेथ हुई अच्छा तो वो ड्रग ओवरडोज था वो केस और वो यही था कि उसने जो बाहर वो हॉस्पिटल या अपनी तारीख पर गया और वहां से उसने वो ड्रग्स ली वो कैप्सूल अंदर फट गया हुँ हुँ तो वो डोज की चलते वो मारा गया ये कहावत कितनी सच है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी ये, ये। <laughs> क्योंकि काफी हमारे मतलब हम लोगों में ये चीज चलती रहती है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी नहीं देखिए ऐसा नहीं है यूजुअली होता क्या है इसके पीछे आ, मेरे को अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है हाँ। तो पब्लिक फोरम में पब्लिक ये चाहती है कि जो पुलिस है पुलिस कार्रवाई उसके हिसाब से करे बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है एक सेट प्रोसीजर है हमारा आईपीसी पी सी है सी आर है पुलिस को अकॉर्डिंगली उसके काम करना है बिल्कुल तो ज, ज, जिन केसेस में लगता है पब्लिक को कि भाई हाँ पब्लिक पुलिस ने हमारे हिसाब से काम कर दिया तब तो वो सोचता है कि हाँ नहीं भाई पुलिस अच्छी है और अगर नहीं करते तो फिर वो जो दूसरा आपने कहा कि भाई वो नहीं करती तो इस तरह की ये ये जुमले हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं तो ऐसा नहीं है अभी कोरोना पेंडेमिक में जैसे हमने देखा हाँ। भाई भाई का नहीं रहा बाप बेटे का नहीं रहा घर के अंदर लाश पड़ी है और उससे दूर हट रहे हैं हुँ। तो पुलिस आ रही है पुलिस आके उसको उसका क्रिमिनेशन कर रही है या जो भी चीजें कर रही है तो उस टाइम पर भी पुलिस थी और मेरे को लगता है ये स्टीरियो टाइप अब लोगों के दिमाग से निकलना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हर लोगों के दिमाग से कि ये चीजें जितना पुलिस फ्रेंडली रहेंगे पुलिस उतना अच्छे से काम कर पाएगी और हम सोसाइटी में अच्छी चीजें देख पाएंगे। आप जब तिहाड़ में पोस्टेड हुए तो आपको ऐसी कोई खामी लगी कि जिसकी सुधार करने की जरूरत आपने वो चीज सुधारी हाँ मेरे को एक स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन एक्टिविटीज का थोड़ा सा लैप्स नजर आया था तो वो चीजें अभी जैसे था जब मैं मैंने ज्वाइन किया जेल नंबर पाँच जेल नंबर पाँच में अठारह से इक्कीस साल के बच्चे हैं अच्छा अब अट्ठारह से इक्कीस साल के बच्चों को आप मेडिटेशन uh, आप सिखाएंगे वो नहीं सीखेंगे बिल्कुल। सबका एक एज ग्रुप है सबका डिफाइन होता है तो मैंने वो चीज़ें थोड़ा सा कम करके वहाँ पर योगा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से टाइप करके और वहाँ पे इनकी क्रिकेट uh, फुटबॉल बास्केटबॉल, इस तरह की एक्टिविटीज की एक्टिविटीज स्टार्ट क्योंकि वो एनर्जी बाउल्स हैं उनकी एनर्जी को हम पॉजिटिव अगर लगाएं ज्यादा अच्छा है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला हुआ ऐसे डिसिप्लिन में रहने लगे कि जैसे जेल नंबर पांच ऐसे लगती थी टाइम पर कि जैसे ये हॉस्टल है अच्छा ओके एक चीज़ है कि मतलब अभी आपको क्या लग रहा है कि आगे और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए जेल जेलों के अंदर या तिहाड़ के अलावा दूसरे जेलों में भी जिस चीज़ को आपको लगता हो क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है अलग अलग जेलों का भी तो आपको क्या लगता है देखिए अभी अगर हम क्राइम कंट्रोल की अगर बात करें तो तिहाड़ जेल में अभी जैसे हमारा एम से प्रपोजल है हुँ. कुछ जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनको शिफ्ट करने का हुँ. वो अभी वेरी मच रिक्वायर्ड है कि इन लोगों को हम अंडमान या नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो इनकी जो चेन है वो चेन रुकेगी क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि जेल के अंदर कोई अगर बड़ा गैंगस्टर है तो उससे प्रभावित होकर जो बाकी जो निचले तबके के लोग हैं जिनका बाहर कोई वाली वारिस नहीं है वो कहीं कही ना कहीं उसके उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और गैंग को ज्वाइन करते हैं अच्छा तो ये जो आका लोग हैं अगर ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं <laughs> तो क्राइम का ग्राफ जेल के अंदर भी और सोसाइटी <laughs> के अंदर भी दोनों जगह बहुत डाउन जाएगा अभी तिहाड़ में में ही है हाँ, में तो है तिहाड़ तो वो मतलब उनका बिहेवियर जो उसका बिहेवियर है कैसा रहता है इस समय कुछ चेंजेस हुए या नहीं नॉर्मल है उसका आफ्ताब का भी कोई ऐसा नहीं है की वो एक एक्चुअल क्रिमिनल है वो चीजें थी उसकी निजी जिंदगी में कि उसने वो क्राइम किया

वो सारा जेल्ड हो चुका है हुँ हुँ। और मुझे लगता है इतना एक्सपोज होने के बाद इतना बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। और बाहर अगर अभी भी कोई उसकी बातों में आ रहा है तो वो हुँ। उसकी खुद की बेवकूफी है हुँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ और ऐसा स्कोप मुझे नहीं लगता कि तिहाड़ जेल की तरफ से कोई छोड़ा गया है कि वो आगे किसी और को टोपी पहना सके ओके एक चीज जो मुझे लगी कि मतलब सर की सबसे खास बात है कि आप जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं वो जो ट्रांजिशन फेज होता है वो हम सबके लाइफ में होता है उसके बाद आप किस तरह से अपने आप को सिंपलाइज्ड रखते हैं सबके जैसे आम आदमियों जैसे आपने कहा कि जैसे हम लोग को कभी कभी लोगों को आम लोगों को डर भी लगता है पुलिस वाले लेकिन आप इतना सिंपलिसिटी कैसे लाते हैं देखिए मेरे को लगता है कि बैलेंसिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर आपको आप जिस फेज़ पर हैं आप जहाँ पर हैं आपको अकॉर्डिंगली एडेप्टेशन क्वालिटी मैटर करती है अभी अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मुझे अपना और ऐसा बनाकर रखना है कि बींग ऑफिसर मैं आ, पंद्रह हजार बीस हजार पच्चीस हजार मैं सोसाइटी में हूँ तो सोसाइटी में ऐसी इमेज ना जाए कि भाई ये तो जेलर साहब है बिल्कुल बिल्कुल ये, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे हाँ, मैं दोस्तों के बीच में हूँ तो मैं दोस्तों के साथ मस्ती कर सकूँ बिल्कुल फैमिली के अंदर हूँ तो एक फैमिली मेंबर की तरह पेश आ सकूँ तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है बिल्कुल आपको क्या लगता है एक जेलर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए बीइंग अ जेलर मुझे लगता है जो मैंने ऑब्जर्व किया और बहुत इफेक्टिव भी है हाँ। एक उचित दूरी बिल्कुल बहुत जरूरी है ओके गुड फेंसिस गुड फेंसिसबर तो जितना आप कोशिश करेंगे क्रिमिनल्स को अपने और में ना आने की आप उनसे जेलप नहीं होंगे क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है आप उनसे हंस के बात करेंगे आप उनसे बिल्कुल दोस्ताना बिहेवियर रखेंगे बिल्कुल तो वो कहीं ना कहीं उसका फायदा लेगा जी तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जितना जरूरी है उतना आप बात करें जो मदद है आप मदद करें एज पर लॉ बिल्कुल और जेल को कंट्रोल करें आ, सर हैं तिहार के असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट सर से हमने बहुत सारी चीजें सीखी और मुझे लगता है दूसरे पुलिस वालों को भी सीखनी चाहिए कि कैसे आप आम लोगों से व्यवहार करते हैं और कैसे आप ऑफिसर्स एज अ ऑफिसर्स अपने सीनियर से व्यवहार करते हैं तो सर इंडिया डॉट कॉम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया जी